हेलो एवरीवन वेलकम टू यू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट जय हिंद टू ऑल आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल जनरल नॉलेज के टॉप 50 एमसीक्यूज ये 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज़ हैं उनके बारे में ये टॉप फिफ्टी एम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके जितने भी अपकमिंग एचपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर टॉप फिफ्टी एमसीक्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज ऑफ हिमाचल फर्स्ट क्वेश्चन है द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1981, सी ऑप्शन है 1982, डी ऑप्शन 1983. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1983 में स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की लोकायुक्त के बारे में बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सब के ऊपर ये करप्शन चार्जेस रिलेटेड एनालाइज करते हैं उन पे नजर रखते हैं और उन मुद्दों को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन है 1984, एटी सी ऑप्शन है 1986, डी ऑप्शन है 1988. तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई 1986 में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है हिमाचल प्रदेश का उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1992, बी ऑप्शन 1994, सी ऑप्शन 1996, डी ऑप्शन 1998। तो जो हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी स्थापना की गई 1994 में बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय सूचना आयुक्त आयोग है उसकी स्थापना कब की गई तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिमाचल का जो भी है उसकी स्थापना की गई ए ऑप्शन है 2005 बी ऑप्शन है 2006 सी ऑप्शन है 2007 डी ऑप्शन है 2008 तो इसका करेक्ट आंसर है 2006 हजार छ वर्ष दो में आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया इसी के अंतर्गत 2006 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय महिला आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 1977 बी ऑप्शन 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 है है 1987 सी 1997 डी तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 1999 में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की स्थापना की गई नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो हिमाचल प्रदेश का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 1993, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 1997, डी ऑप्शन है 1999, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष उन्नीस में हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय ग्राहक सुरक्षा जो केंद्र है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 1985 बी ऑप्शन 1987, सी ऑप्शन ऑप्शन 1989, 1989. 1991. तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1989, 1989 में हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसकी स्थापना की गई नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने वाला आयोग है यानी कि उन सब इंस्टीट्यूशन को चलाने वाला आयोग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 2009, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 2011, डी ऑप्शन है 2012. तो इस आयोग की स्थापना की गई 2010 में बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का विद्युत रेगुलेटरी कमीशन है यानी इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करने वाला आयोग उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन 2002, डी ऑप्शन 2003. तो इस आयोग की स्थापना की गई में बी डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो हिमाचल हिमाचल प्रदेश का राजकीय बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 2003 बी ऑप्शन 2005 सी ऑप्शन 2007 डी ऑप्शन 2009 तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 2005 में की गई बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसे शॉर्ट फॉर्म में हिप्पा के नाम से जाना जाता है तो हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एस तहसीलदार नायब तहसीलदार और जितनी भी क्लास वन और टू पोस्ट हैं उनको तो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 1971, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1973, डी ऑप्शन 1974. तो हिप्पा की स्थापना की गई 1974 में डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन बंद है पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इस आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन है 1997, बी ऑप्शन है 1998, डी सी ऑप्शन है 1999, डी ऑप्शन है 2000. तो एच पी सर्विस सिलेक्शन कमीशन की स्थापना 1998 में की गई उन्नीस नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हिमाचल प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1972, टू बी ऑप्शन 1974, फोर सी ऑप्शन डी ऑप्शन तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो स्टेट का है उसकी स्थापना 1974 में की गई बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय शिक्षा का जो संस्थान है यानी कि बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी एचपी स्टेट बोर्ड की स्थापना ए ऑप्शन नाइनटीन बी ऑप्शन नाइनटीन सी ऑप्शन नाइनटीन डी ऑप्शन 1974 तो एच पी बोस की स्थापना की गई करेक्ट है ए ऑप्शन 1969 को नेक्स्ट क्वेश्चन है द दस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना ए ऑप्शन 1969 सिक्सटी नाइन बी ऑप्शन 1970 सेवेंटी सी ऑप्शन 1971 सेवेंटी वन डी ऑप्शन 1974 फोर तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई वो उन्नीस में की बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो जो हिमाचल प्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय है यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 2009, बी ऑप्शन 2010, सी ऑप्शन 2011, डी ऑप्शन 2012 तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2011 में एचपीटीओ की स्थापना की गई नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1969, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन 1971, डी ऑप्शन 1974। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई उन्नीस में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1978, बी ऑप्शन 1980, सी ऑप्शन 1983, डी ऑप्शन 1986। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई उन्नीस में डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ चौधरी सरबण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में एच पी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसका पूरा नाम है चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1978 बी ऑप्शन 1980 सी ऑप्शन 1983 डी ऑप्शन 1986 तो चौधरी सरवन कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1978 में नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर वाई एस परमार के नाम पे है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1978 बी ऑप्शन 1980 सी ऑप्शन 1983 डी ऑप्शन 1985 तो जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1985 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ ओनली सैनिक स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1978, बी ऑप्शन 1980, सी ऑप्शन 1983, डी ऑप्शन 1985। तो एकमात्र सैनिक स्कूल की स्थापना की गई 1978। ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द स्नोडन हॉस्पिटल जो स्नोडन हॉस्पिटल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई ए ऑप्शन 1966, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन 1975, डी ऑप्शन 1978। तो स्नोडन हॉस्पिटल की स्थापना की गई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1966 को नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर स्नोडन हॉस्पिटल वॉज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज किस वर्ष स्नोडन हॉस्पिटल का नाम बदल के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया तो ए ऑप्शन है 1966 बी ऑप्शन 1970 सी ऑप्शन 1978 डी ऑप्शन 1984 तो स्नोडन हॉस्पिटल का नाम आईजीएमसी यानी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया 1984 में डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नोडन हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल जो स्नोडन हॉस्पिटल यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है वो किस जगह पे स्थापित है हिमाचल प्रदेश पे एप्शन मंडी बी ऑप्शन हमीरपुर सी ऑप्शन धर्मशाला डी ऑप्शन शिमला तो आई जी एम सी मिलेगा आपको शिमला में डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल तो जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है लोक सेवा आयोग वो कहाँ पे स्थापित है तो इसका मुख्यालय मिलेगा ए ऑप्शन फेयर लॉन्स शिमला बी ऑप्शन पक्का भरोह हमीरपुर सी ऑप्शन दाड़ी धर्मशाला कांगड़ा डी ऑप्शन निगम बिहार शिमला तो एच पी पी एस सी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्यालय है वो मिलेगा निगम बिहार शिमला में डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल तो वर्तमान समय में जो एचपीएसएससी है वो बंद किया हुआ है पर इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थापित है ए ऑप्शन फेयर लॉन्स शिमला बी ऑप्शन पक्का ब्रो हमीरपुर सी ऑप्शन दाड़ी धर्मशाला कांगड़ा डी ऑप्शन निगम बिहार शिमला तो एच का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो मिलेगा पक्का भरो हमीरपुर में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हिप्पा इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल तो जो हिप्पा है उसका मुख्यालय या आसान भाषा में बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल का जो है वो कहां पे स्थापित है ए ऑप्शन फेलॉश शिमला बी ऑप्शन पक्का बरोहा सी ऑप्शन दाड़ी धर्मशाला कांगड़ा डी ऑप्शन निगम बिहार शिमला तो हिप्पा मिलेगा आपको फेयल शिमला ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एचपी बोस का जो मुख्यालय है कहां पे स्थित है हिमाचल में ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन पक्का विरोहा मेरपुर सी ऑप्शन दाड़ी धर्मशाला कांगड़ा डी ऑप्शन निगम बिहार शिमला तो एचपी बोस यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हिमाचल का मिलेगा आपको दाढ़ी धर्मशाला कांगड़ा में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड इज लोकेटेड एट प्लेस ऑफ हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड है उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है ए ऑप्शन फेला शिमला बी ऑप्शन पक्का बरोह हमीरपुर सी ऑप्शन दाड़ी धर्मशाला कांगड़ा डी ऑप्शन निगम बिहार शिमला तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी एच पी बोस की तरह आपको मिलेगा दाड़ी धर्मशाला कांगड़ा में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एच पी टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश की तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ए ऑप्शन शिमला बी ऑप्शन दडूही हमीरपुर सी ऑप्शन समर हिल्स शिमला डी ऑप्शन देरा कांगड़ा तो एचपीटीयू का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दडूही डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल आसान भाषा में बोले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ए ऑप्शन फे लॉन्स शिमला बी ऑप्शन दड़ूही हमीरपुर सी ऑप्शन समर हिल्स शिमला डी ऑप्शन देरा कांगड़ा तो एचपीयू मिलेगी आपको समर हिल शिमला में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस जो हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ए ऑप्शन फेला शिमला बी ऑप्शन दडूही हमीरपुर सी ऑप्शन समरहिल शिमला डी ऑप्शन देरा कांगड़ा हाल, हालांकि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये बनेगी देरा कांगड़ा में पर वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको धर्मशाला में वर्तमान समय में हेडक्वार्टर है धर्मशाला में और इसके कैंपस एरिया है तीन जगह पे खनियारा में है दूसरा धर्मशाला में है तीसरा शाहपुर में है वर्तमान समय में हेडक्वार्टर धर्मशाला में और ये जो देहरा वाला है ये इन फ्यूचर इस यूनिवर्सिटी को यहां पे स्थापित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी सरबण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल जो चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है ए ऑप्शन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑप्शन ही हमीरपुर सी ऑप्शन हिल शिमला डी ऑप्शन देरा कांगड़ा तो चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको ए ऑप्शन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली सैनिक स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल जो हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल है वो किस जगह पे स्थित है ए ऑप्शन पालमपुर कांगड़ा बी ऑप्शन सुजानपुर टीरा हमीरपुर सी ऑप्शन समरहिल शिमला डी ऑप्शन देरा कांगड़ा तो जो एकमात्र सैनिक स्कूल है वो मिलेगा आपको सुजानपुर टीरा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो किस स्थान पर स्थित है ए ऑप्शन धर्मशाला कांगड़ा बी ऑप्शन सुजानपुटी रहावीरपुर सी ऑप्शन समरहिल शिमला डी ऑप्शन दड़ो कांगड़ा तो जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो मिलेगा आपको ड्रो, ड्रो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नियर पालमपुर के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ एचपी लोकायुक्त इज लोकेटेड एट बिच प्लेस ऑफ हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त का मुख्यालय है वो कहां पे स्थित है ए ऑप्शन कांगड़ा बी ऑप्शन हमीरपुर सी ऑप्शन शिमला डी ऑप्शन मंडी तो एचपी लोकायुक्त का मुख्यालय मिलेगा आपको शिमला में जो कि कैपिटल है हिमाचल की नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल जो एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक अधिकरण है उसका मुख्यालय किस जिला में स्थित है ए ऑप्शन कांगड़ा बी ऑप्शन हमीरपुर सी ऑप्शन शिमला डी ऑप्शन मंडी तो एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर भी कहां पे मिलेगा डिस्ट्रिक्ट शिमला में नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एच पी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज लोकेटेड इन विस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है ए ऑप्शन कांगड़ा बी ऑप्शन हमीरपुर सी ऑप्शन शिमला डी ऑप्शन मंडी तो एचपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय भी स्थित है शिमला में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एच पी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज लोकेटेड इन विस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल तो जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसका मुख्यालय हिमाचल के किस जिला में स्थित है ए ऑप्शन कांगड़ा बी ऑप्शन हमीरपुर सी ऑप्शन शिमला डी ऑप्शन मंडी तो एचपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड मिलेगा आपको शिमला में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी सर्विस सिलेक्शन कमीशन एचपीएसएससी का पहला चेयरमैन कौन था ए ऑप्शन के सी बी ऑप्शन एनसी मेहता सी ऑप्शन मेजर जनरल रिटायर्ड हिम्मत सिंह डी ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के एस कटोज तो एचपीएससी का पहले चेयरमैन का नाम है के सी मल्होत्रा कुलदीप चंद मल्होत्रा ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल वॉस जो पहला लोकायुक्त था हिमाचल लोकायुक्त का वो कौन था तो ए ऑप्शन जस्टिस टी वी आर टाटाचारी बी ऑप्शन जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर सी ऑप्शन पी एस राणा डी ऑप्शन जस्टिस पी गुप्ता तो पहला लोकायुक्त एचपी लोकायुक्त का था जस्टिस टीबीआर टाटाचारी ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बॉस जो हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक अधिकरण के पहले चेयरमैन कौन थे तो पहले चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ए ऑप्शन जस्टिस आर टाटाचारी बी ऑप्शन जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर सी ऑप्शन पी एस राणा डी ऑप्शन जस्टिस पी बी पी गुप्ता तो एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एच पी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वॉस हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन थे ए ऑप्शन जस्टिस टी वी आर टाटाचारी बी ऑप्शन जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर सी ऑप्शन पी एस राणा डी जस्टिस बी पी गुप्ता तो डी इज द करेक्ट आंसर जस्टिस बीपी गुप्ता जो है चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एच स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का सूचना आयोग है उसके पहले चेयरमैन कौन थे ए ऑप्शन जस्टिस टी वी टाटाचारी बी ऑप्शन जस्टिस हेरा सिंह ठाकुर सी ऑप्शन पी एस राणा डी ऑप्शन जस्टिस बी पी गुप्ता तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पहले चेयरमैन थे पी एस राणा सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ एच पी पब्लिक सर्विस कमीशन वॉस जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी पहली महिला चेयरमैन कौन थी ए ऑप्शन लीला सेठ बी ऑप्शन शीला कॉल सी ऑप्शन विद्या स्टोक्स डी ऑप्शन बिमला भगत तो डी इज द करेक्ट आंसर बिमला भगत जो थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली महिला चेयरमैन थी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इज एचपीटैब्लिस्ड इन विच ए ऑप्शन 2007, बी ऑप्शन 2008, सी ऑप्शन 2009, डी ऑप्शन 2010। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की उसकी स्थापना की गई 2009 में सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाईकोर्ट बॉस एचपी उच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे ए ऑप्शन जस्टिस हमीदुल्ला बेग बी ऑप्शन जस्टिस मेहर महाजन सी ऑप्शन जस्टिस टी वी आर टाटाचारी डी ऑप्शन दीस तो एचपी कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद हमीदुल्ला बेग ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ एच पी हाईकोर्ट बॉस हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी ए ऑप्शन जस्टिस शीला कॉल, बी ऑप्शन जस्टिस लीला सेठ सी ऑप्शन जस्टिस विद्या स्टोक्स डी ऑप्शन ननौतीस तो एच पी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी जस्टिस लीला सेठ और ये इंडिया के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला जो कि मुख्य न्यायाधीश बनी है वो यही है बी इज द करेक्ट आंसर तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए टॉप फिफ्टी जो कि बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज जो हैं हिमाचल की उनके बारे में उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर को लाइक करें अपने वैल्यूएबल कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अपने आपके चैनल दी कंसेप्ट जो कि एक पाथ है सक्सेस का उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू जय हिंद जय भारत जय हिमाचल